लगाओ 100 नंबर फोन लगाओ पहले आएगी। थोड़ा तेज आपको घटना कब की जानकारी हुई, कब जानकारी हुई आपको घटना? सुबह 9 बजे। क्या जानकारी मिली आपको? मतलब मैं अपने घर से वापस आ रही थी, पुराने घर से नए घर में भीड़ लगी हुई थी, रो रहे थे सब लोग, और ये पता चला कि अनुपा को जला दिए हैं। और पहले से भी वो बता रही थी कि मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। अच्छा जी, शादी में भी आई हुई थी पहले से, लेकिन शादी से फिर चली गई अपने घर, वहाँ जाके उन्होंने ये सब कांड किया है। अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि किसने जलाया है? उसके पति और सास कौन जलाएगा। अच्छा, आप क्या हैं लड़की के? आप लड़की के क्या हैं? लड़की की बड़ी मम्मी। ठीक है, आपके लड़की के साथ क्या किया गया आप बताइए? 4 दिन से साहब खाना नहीं दिए वो लोग। अच्छा। आज सुबह उसके मार मार के घफिला खूब मारा है। हाँ। मारने के बाद सास और बेटवा मिल के मारा, फिर उसके बाद मट्टी के तेल डाल के माची पे लगा दिया साहब। किसने लगाया? सास और बेटवा दोनों, पति उसका। क्या इसके पहले भी परेशान किया जाता था? पहले भी खूब परेशान करते थे साहब, हम लोग सोचते चलो सुधर जाएंगे, समझाते रहे साहब। क्या डिमांड थी उनकी? डिमांड को साफ थी कि हमको 5 लाख रुपया और दो। इसके पहले घर पे भी मारे? कितने साल पहले शादी हुई थी? 1 साल पहले। फिर घर में साहब होली पर गई थी तो भी मारा था साहब, घर में नहीं, मैं घुस के अंदर मारा था। इसके पहले प्रशासन को आपने कोई सूचना दिया साहब? लेकिन ये लोग मानी समझावा हो गए, ससुर बोला कुछ नहीं होगा साहब, हम संभाल लेंगे। आपको सूचना कब मिली आज की डेट में? आज साहब हम लोग सुबह 9 बजे मिला साहब। 9 बजे? वो भी नहीं दिया साला, कोई दूसरा क्यों दिया साहब। आप क्या हैं लड़की के? हम माँ हैं, बड़ी मम्मी है उसकी। क्या नाम है आपका? उषा देवी। हाँ बताइए, क्या हुआ आपकी लड़की के साथ? देखो, हमारे यहाँ गया था बुलाने। कौन गया था? ये दमाद गया था। अच्छा अच्छा, ये हमारे यहाँ फोन किया 1 बजे दिन में, हम कहे बुलाने आ रहे हैं। अच्छा, तो हम कहे मरफक लगावा, 2 रोज बाद आए, ठीक 3 रोज बाद आए, खत्म हो जाए तो ये नहीं माने और कहे हम आ रहे हैं। हम कहे ठीक है, जब आप आ रहे हैं तो ठीक है आइए, फिर ले जाइए, जब नहीं माने ले जाइए। अच्छा, ये साहब 1 बजे फोन लगाए, ये हमारे यहाँ पहुँचे 4 बजे। अच्छा, तो ये जो लड़की जला दिए हैं, ये लड़की एक 2 सास बहन लेकर गए मार्केट में, आगे सौदा लेने आई थी। किसने जला दिया? ये जो आया है दमाद हमारे, ये जलाई हुई है लड़की। उन्होंने जलाया है? हाँ, ये जलाई हुई लड़की है। अच्छा, ऐसा नहीं हुआ है तो इसके पहले भी क्या, इसके पहले भी कोई धमकियां दी जाती थी? पहले सुनो। अच्छा, तो ये जो है आदमी हमारे यहाँ पहुँचा तो हमारी लड़की जो है गई मार्केट सौदा पसंद लेने गई, और उसके बाद ये जो है जब लेके चल चली, एक गली थी वो गली में 2 सखी एक साथ ही रही, तो इसको जो है मोटरसाइकिल बैठा ले, कहे कि मैं मत जाओ घर, बैठो चलो हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो। अच्छा, तो वहाँ दूसरे बहन रहीन कहीं मेहमान है तरह नहीं होता, चला घरे बाकायदे पानी वानी पी जाए तो हर विदाई कर दी, रोकी ही नहीं चाची चाचा हमारे। अच्छा, किस वजह से जलाया गया ये बताइए? देखो अभी जो भले भाई सुनिए। अच्छा, उसके बाद ये जो बाद दमाद हमारा जो है बाजार में कहे जो एक मोरी है बहरा है वहीं पे आके बैठ गया, जब तुम बुलाओ ही जाते हैं तो घरे आओ, हमारे बैठा पानी पिया पिंगल के रहे तो हर तैयार। किस वजह से जलाया गया ये तो बताइए पहले। अच्छा, किस वजह से जलाया गया? ये जलाया कि आप क्या बताऊँ कि ये कहा कि ठीक है, हम जब हमारे यहाँ दुआरे गया पहले सुन पहले, ये पहुँचता लड़की हमारी छोटी लड़की उनको पानी दिया ना, ये पहुँचा उसके मारने लगा। अच्छा अच्छा, इसके पहले भी इस तरीके से वारदात होती थी? अयो है, पहले मारता था ये आदमी पहले भी। हाँ, किस क्या बोलते थे, मतलब कोई डिमांड वगैरह तो नहीं थी उनकी? लड़की की मारत रहा था, हम पता नहीं के होई के लड़की मांग जांच करते थे, बताते नहीं रही, कुछ मांग वगैरह थी उनकी या बस ऐसे पैसा तो मांग रहे थे, तो हमको गाड़ी चाहिए, इतना पैसा चाहिए साहब इनको हम दीजा, गरीब आदमी विकलांग खेत गहन रखे, अभी साहब हमारा खेत गहन रखा हुआ है, हमारा लड़का विकलांग हम विकलांग, इसको 50,000 नकद दीजा। अच्छा, आप लड़की के क्या है? पिता है। ठीक, क्या नाम है आपका? कन्हैया।